हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे साथियों, बहुत से बच्चों का यह क्वेश्चन है, राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी, हरियाणा, इन पांचों ही राज्य से मेरे पास लगातार बड़ी संख्या में कॉल आ रहे हैं कि सर, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए इस बार फॉरम कब निकलने वाले हैं। तो मैं बच्चों आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आपने 12वीं बायोलॉजी से की है या अभी आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स इस अगले सत्र से कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एक एग्जाम लगता है और उस एग्जाम की हम विजय एजुकेशन मोबाइल ऐप के ऊपर तैयारी करवा रहे हैं और उस मोबाइल ऐप का नीचे लिंक दिया गया है, आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपनी ऑनलाइन तैयारी अभी शुरू कर सकते हैं। पर दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं, क्योंकि एक बिहारी सब पर भारी ऐसा कहा जाता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां नॉलेज की कमी नहीं है, जहां आरएएस और आईएएस बड़ी संख्या में निकलते हैं। और अब मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब हमारा बिहार कहीं ना कहीं एक नर्सिंग नगरी, एक मेडिकल नगरी भी बनने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए बिहार के मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप बीसीई सीई का जो एग्जाम है इसका फॉरम कब निकलेगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगले एक महीने के अंदर आपके इस फॉरम का अपडेट जारी हो जाएगा कि फॉरम कब निकलेगा और एग्जाम कब होगा। करीब करीब मेरे दोस्तों, आप जुलाई महीना मान के चलो, आप ये मान लो कि आपके एग्जाम जुलाई में होंगे। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जो परीक्षा होगी, जो एंट्रेंस एग्जाम लगेगा, उसका एग्जाम जुलाई में होगा और जुलाई महीना मान करके आप आज से तैयारी शुरू कर दो, अपने मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लो और ऑनलाइन कोर्स ले लो। अपन ने ऑनलाइन कोर्स की फीस 90% घटा दी है मेरे दोस्तों, जो फीस बाकी कोचिंग वाले 8,000, 10,000, 5,000 अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग तरीके से फीस ले रहे हैं और हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा रहे हैं केवल 899 रुपए में। अब अगर मैं बात करूं वीरों की नगरी मेरे दोस्तों, महाराणा प्रताप की नगरी, महाराणा सांगा की नगरी, ठीक है, राजस्थान की, तो मेरे दोस्तों हमारा जो राजस्थान है इसके अंदर भी बड़ी संख्या में बीएससी नर्सिंग के नए कॉलेज खुले हैं और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि बहुत से बच्चे और अभिभावक इस तरफ रुख करेंगे। अब अपने बच्चों को मेडिकल लाइन में अगर आप लाना चाहते हो, तो अगर आपका बच्चा लंबे समय से अगर आप मेरे दोस्तों नीट के उस कोर्सेज के डिप्रेशन से बच्चे को बाहर निकालना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि बच्चा अगर एमबीबीएस के समय समान कोई दूसरा कोर्स करे, तो वो दूसरा कोर्स बीएससी नर्सिंग है। पर दोस्तों, नीट में कई बार बच्चों को 4-5 साल तक मेहनत करनी पड़ती है और कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है कि सफलता हाथ नहीं लगती। तो इस वजह से मैं ऐसे बच्चों से भी कहना चाहता हूं, आपको निराश नहीं होना है, आप एमबीबीएस के बराबर सैलरी उठा पाओगे, आप भी फर्स्ट ग्रेड नर्स बन पाओगे, आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कीजिएगा। राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग करवाती है आरयूएचएस यूनिवर्सिटी और इसके फॉरम का अपडेट भी मेरे दोस्तों अगले महीने से जारी हो जाएगा, यानी करीब करीब आपके मई महीने के अंदर आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। राजस्थान में अभी 12वीं की परीक्षाएं होनी है, तो जो बच्चे पहले पिछले साल 12वीं कर चुके हैं वो तो अभी ऑनलाइन कोर्स ले लो और तैयारी शुरू कर दो, और जिनके 12वीं के अभी एग्जाम होने हैं वो एग्जाम होते ही अपना कोर्स ले लेना और मेरे दोस्तों पढ़ाई शुरू कर देना। आपको बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन पाना ही है, सबसे ज्यादा बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट सीटें मेरे दोस्तों राजस्थान में है। अब मैं बात करता हूं मेरे यूपी के भाई बहनों से, ठीक है, मेरे यूपी के जितने भी स्टूडेंट है उनसे बात करना चाहूंगा, ठीक है। मैं मथुरा नगरी यूपी वाराणसी के मेरे सभी स्टूडेंट और तो और मेरे दोस्तों, ठीक है, अयोध्या तक हर एक क्षेत्र से आने वाले मेरे सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आपको भी अब मेडिकल लाइन में अगर आना है तो बीएससी नर्सिंग से बढ़िया और कोर्स हो नहीं सकता। और आपके यूपी के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी और इसके अलावा कि मेरे दोस्तों केजीएमयू, ठीक है, सेफई यूनिवर्सिटी, यूपी में तो मेरे दोस्तों बाहर है बाहर, ठीक है ना, क्योंकि यूपी में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो करवा रही है क्या बीएससी नर्सिंग और उसके फॉर्म निकल रहे हैं मेरे दोस्तों इस अगले महीने से, यानी करीब करीब आपके फॉर्म अप्रैल से ही निकल जाएंगे, एग्जाम आपके भी बीएससी नर्सिंग के जुलाई में होंगे। मैंने एक कॉमन नतीजा निकाला है
कि चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो, जुलाई में ही एग्जाम होने हैं। हर एक स्टूडेंट को 3 से 4 महीने का समय मिलेगा पढ़ने के लिए। अभी से कोर्स लेकर अगर पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपका बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन तय है। आप प्राइवेट कॉलेजों के चक्कर काटोगे, फालतू में कुछ मिलना नहीं। और प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन अलग से लगता है और पर ईयर 1 लाख रुपए फीस लगती है। तो मैं कहता हूं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज की 5-7 लाख रुपए की फीस बचाना चाहते हो और अपना सपना पूरा करना चाहते हो, मेडिकल लाइन में आना चाहते हो, तो अभी से तैयारी करो मेरे दोस्तों, जम के मेहनत करो। पढ़ना क्या है आपको, सिलेबस क्या है बीएससी नर्सिंग का, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, बिहार के बच्चे आरयूएचएस का फॉर्म भर सकते हैं, बिहार के बच्चे एम्स का फॉर्म भर सकते हैं, बिहार के बच्चे बीएचयू का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी फॉर्म लगाओ। मैं तो कहता हूं, आप अगर बिहार से हैं तो आप बीसीई की तैयारी के साथ साथ आरयूएचएस का भी फॉर्म लगाओ, एम्स का भी फॉर्म लगाओ, क्योंकि पूरी बीएससी नर्सिंग का पाठ्यक्रम एक जैसा है ऑल ओवर मेरे दोस्तों। बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, राजस्थान के अंदर एक जैसा पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम क्या है बीएससी नर्सिंग का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, ठीक है, और वो भी एनसीईआरटी की, ठीक है ना। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में तो केवल 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है, ठीक है। और एम्स की अगर बात करूं तो एम्स के एग्जाम में 12th के साथ 11th के भी कुछ टॉपिक आते हैं, ठीक है ना, और अपन कंप्लीट करवा रहे हैं मेरे दोस्तों। अब अगर एम्स का फॉर्म भरना है तो आप एम्स का भी भर सकते हो, लेकिन एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग केवल लड़कियां ही कर सकती है। एम्स में लड़के पैरा मेडिकल कोर्स कर सकते हैं। तो भैया एम्स में तो अगर पैरा मेडिकल में नंबर आ जाए तो भी बहुत बढ़िया है। अब देखिए, हिंदी मीडियम में भी बीएससी नर्सिंग का पेपर आता है और इंग्लिश में भी आता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ाई करो और इंग्लिश वाले इंग्लिश में करो, ओके। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको मेरे दोस्तों शॉर्ट में बताई है। मैं कहना चाहता हूं, मेरे यूपी के, एमपी के, बिहार के, राजस्थान के, हरियाणा के सभी बच्चे, ये 5 राज्य ऐसे हैं मेरे दोस्तों, और मैं ये चाहता हूं कि इन राज्य के हर एक दूसरे घर के अंदर एक नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए। और मेरे दोस्तों, अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको गवर्नमेंट सैलरी देती है 1 लाख से ज्यादा। मेरे दोस्तों, आपके अपने और अपने मम्मी पापा के सपने पूरा करना चाहते हो, ठीक है, और बिल्कुल फ्री में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, तो आपको 3 महीने की तैयारी करनी है। और ये 3 महीने का कोर्स अभी हमने 2 दिन पहले लॉन्च किया है मेरे दोस्तों, और अभी तुरंत क्लास शुरू कर दी है हमने। तो आज ही आप कोर्स को ज्वाइन करें। और इस कोर्स के अंदर मेरे दोस्तों 5 डे का ऑफर चल रहा है, 5 दिनों का ऑफर चल रहा है, और फीस में 90% की छूट चल रही है। तो जो भी बच्चे बहुत कम फीस में अगर ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आज ही आप विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और इस कोर्स को लीजिएगा। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9828721229 मेरे दोस्तों, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। ऑनलाइन कोर्स कैसे लेना है इसकी पूरी प्रक्रिया आपको इस नंबर पे समझा दी जाएगी। वैसे बहुत सिंपल मामला है, विजय एजुकेशन के नाम से अपना ऐप है, ऐप डाउनलोड करो, बीएससी नर्सिंग कोर्स पे जाओ और सीधा ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।